तो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी एसजीडी की स्पेशली कट ऑफ को लेकर बहुत चर्चाएं बने हुए, तो उन सभी कैंडिडेट्स को इसमें पॉइंट वाइज कट ऑफ को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। सेकेंडली आपके जो फिजिकल की डेट्स हैं वो कब तक शेड्यूल होगी, जो 12 जून वाला जो नोटिस है वो उसमें फेक है या फिर एक्चुअल में उसी डेट को आपकी फिजिकल स्टार्ट किए जाएंगे, वो चीज़ आपके साथ में शेयर करूंगा। एंड आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक जारी किए जाएंगे, तो पूरा डिटेल्स से इस वीडियो में आपके हर एक डाउट्स क्लियरिफाई होने वाला है, तो पूरा वीडियो वॉच करना। एंड जो भी कैंडिडेट चैनल के साथ नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना अगर आप किसी भी के। तो देखो गाइस इसमें देखो इस बार क्या है कि कट ऑफ तो डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। कट ऑफ को लेकर मैंने काफ़ी बार आपको बोल दिया कि कट ऑफ प्रीवियस ईयर की तुलना में इस बार 100% बढ़ेगा, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्यों? देखो इसका दो लेवल है, दो कारण है, इसके दो रीज़न है। देखो फर्स्ट रीज़न है, एक तो पेपर का लेवल एकदम डाउन था इस बार, पूरी तरीके से डाउन था पिछली की तुलना में। अगर इस बार में पेपर का लेवल तो एकदम डाउन पेपर था, ठीक है। सेकेंडली इसमें एक वैकेंसीज का सर्कुलेशन है कि 26,000 इस बार टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। इस बार ना तो इंक्रीज हुई है ना ही इनकी तरफ से अभी कोई शेड्यूल जारी हुआ है कि इतने वैकेंसी हमने फिक्स कर दी है, ठीक है। लेकिन अभी 26,000 वैकेंसीज बनी हुई, लेकिन पिछली बार थी लगभग 50,000 प्लस, ठीक है। इस बार उम्मीद है शायद ये वैकेंसी 26,000 रहेंगी, इस बार बढ़ने के चांसेस नहीं है। ऐसा क्यों? देखो अभी अगस्त में न्यू रिक्रूटमेंट आ रहा है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ये चाहेगा कि हम उसी वैकेंसी को उस अगस्त वाले में ही ऐड कर देंगे और इस वैकेंसी का पूरा कंप्लीटली प्रोसेस करवा लेंगे, ठीक है। एक चीज बता दूं आपका, इस वैकेंसीज का 26,000 वाली वैकेंसीज का जो कंप्लीट प्रोसेस है, डिपार्टमेंट ये प्रयास कर रहा है कि जो आगामी वैकेंसीज आने वाली है अगस्त में, उससे पहले पूर्णतया इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट हो जाए, ये चीज इनकी तरफ से भी तैयारियां की जा रही है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है, अगर आप इसके लिए, अगर आपने जो कट ऑफ वगैरह आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से देखा है, अगर आप उस कट ऑफ को टच कर रहे हो, ठीक है, अगर उससे अच्छे खासे ज्यादा ही मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो देखो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। नॉर्मलाइजेशन अगर आप एवरेज दे दोगे ना, तो 8 से 10 नंबर का आप मतलब नॉर्मलाइजेशन आप ले सकते हो, ठीक है, आपको डेफिनेटली तो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप इस बार जो आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से जिस भी टीचर्स से आपने जिस भी माध्यम से आपने जो कट ऑफ देखी, अगर आप उतने अभी मार्क्स आपके आंसर के आधार पर आ रहे हैं, ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन पहले ही बता रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो तो कट ऑफ का आपके लिए क्राइटेरिया बनेगा, ठीक है। बाकी अभी का ये कि जो आंसर के जो आपके एग्जिट मार्क हैं, जो डिपार्टमेंट में आपके जो आंसर की जारी किया है, अगर आपके उसमें जो जितने स्कोर आ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कट ऑफ को क्वालिफाइड कर रहा हूं, तो आप डेफिनेटली फिजिकल के लिए प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिजिकल की डेट्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी हुई है। एंड आपको बता दूं उससे पहले एक जो नोटिस है वो वायरल है, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। एंड सेकेंडली मैं उससे पहले रिजल्ट्स को लेकर थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। देखो गाइस रिजल्ट्स है ना आपका, रिजल्ट्स इस महीने के लास्ट तक आने के पूरे चांसेस था, लेकिन अभी मई की एक्सपेक्टेड डेट बता दी, फर्स्ट वीक मई के फर्स्ट वीक एंड इस मंथ के लास्ट तक जो आपका रिजल्ट्स है किसी भी टाइम जारी किया जा सकता है। रिजल्ट्स की पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। एंड कट ऑफ को लेकर मैंने बहुत बार बताया कि पिछली बार, देखो मैं राजस्थान में बता देता हूँ, ओबीसी कैटेगरी राजस्थान से पिछली बार कट ऑफ का रेशियो था ना, वो लगभग 10 नंबर फाइनल के लिए बढ़ाया गया था, मतलब फिजिकल से 10 नंबर अबव थे ना कैंडिडेट्स के, ठीक है, तो उतने नंबरों के लिए रखे गए थे। आपको बता दूँ, देखो पिछली बार राजस्थान की ओबीसी से थे 119 और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था ना, लगभग 130-131 का रेशियो पिछली बार बैठाया गया था, मतलब 10 से 11 नंबर इसमें एवरेज उन्होंने उठा दिया था फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। तो इस बार भी इतना ही रेशियो आपको रखना है, अगर इस बार तो देखो फिजिकली कट ऑफ ना बहुत ही अच्छी खासी लगने वाली है, सेकेंडली फाइनल तो डेफिनेटली इससे हाई जाएगी, ठीक है। बाकी फाइनल में तो डिफरेंस आपको रखना ही है, अगर आपके देखो 130 तक एवरेज स्कोर आ रहा है राजस्थान के लिए बता रहा हूँ ओबीसी से, तो आप डेफिनेटली फिजिकली प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी मैंने कट ऑफ के लेकर दो वीडियो ऑलरेडी पूरे डिटेल्स मैंने डाल रखे हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर वॉच लेना, उसमें कट ऑफ को लेकर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है। बाकी देखो फीमेल कैटेगरी में जो वैकेंसीज कम है तो उनका तो रेशियो थोड़ा हाई ही जाएगा, ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी में थोड़ी कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, क्योंकि उनका वैकेंसीज का पोर्शन थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन आप आखिर कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस कैटेगरी से हो, किस स्टेट से हो, तो आप मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा, आपको मैं कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं कर पाया तो आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव कमेंट के आधार पर आपको मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। देखो गाइस अभी एक फिजिकल को लेकर ये नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, ठीक है। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि जो आपकी जो
मतलब पीईटी पीएसटी जो आपकी जीडी एग्जाम 2024 वाली है उसकी जो कंडक्ट डेट है वो भी दे रखी है 12/6 से लेके 26 जून 2024 तक ये कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बता दूँ, ये चीज़ें अभी फेक के माध्यम से भी हो सकती है क्योंकि इसमें जो इसका जो फॉन्ट साइज देख सकते हो ये एडिट किया हुआ लग रहा है पूरी तरीके से। लेकिन आपको मैं क्लियरली बता दूँ, ऐसे 3-4 नोटिस 2022 और 2023 वाली जो वैकेंसीज थी उसमें भी ऐसे ही नोटिस वायरल किए जा रहे थे पिछली बार भी। ठीक है, सेम नोटिस इनकी तरह ही, लेकिन एसएससी ने उसमें से एक दो नोटिस तो एक्चुअल में एकदम राइट ही साबित किया था, मतलब अपनी वेबसाइट पे भी उन्होंने अपडेट दे दिया था। ठीक है, और सेम इसी प्रकार अब भी इसका नोटिस वगैरह जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से एक दो नोटिस आपके सही भी हो सकते हैं, बाकी देखो ये नोटिस में कन्फर्मेशन नहीं, ये एक्चुअल में सही है। ठीक है, ये फेक भी है पूरी तरीके से, लेकिन आपको बता दूँ एक्सपेक्टेड डेट वगैरह इसमें दी है ना जो 12 जून, तो आपके यही मान के आप मतलब सेकेंड वीक ऑफ जून तक जो आपके फिजिकल है फर्स्ट वीक तो मान सकते हो, बाकी देखो सेकेंड वीक ऑफ मई में तो इसका जो टाइम टेबल जो शेड्यूल है वो डिपार्टमेंट जारी करेगा आपके फिजिकल को लेकर। ठीक है, बाकी जो आपके फिजिकल हैं वो जून तक ही स्टार्ट किए जाएंगे, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि फिजिकल आपके स्टार्ट हो पाएंगे। देखो इससे पहले पूरी डिपार्टमेंट ये कयास करेगी रिजल्ट्स को जल्द से जल्द अनाउंसमेंट किया जाए। ठीक है, रिजल्ट्स जल्द से जल्द अनाउंसमेंट किया जाए, तो डिपार्टमेंट उसी में अभी कार्यवाह कर रहे हैं। देखो अभी 30 मार्च को एग्जाम्स कुछ शिफ्टों का ही इसमें कैंसिल हुआ था, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, तो उन शिफ्टों का मतलब एग्जाम्स में रिजल्ट्स पे आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा आपके केवल लोकसभा चुनाव के कारण। इसमें थोड़ा आपको फिजिकल को लेकर थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, बाकी इसमें और कोई इसमें चेंजेबल नहीं देखने को आपको मिलेगा। बाकी रिजल्ट है इस मंथ के लास्ट तक या फर्स्ट वीक ऑफ मई में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट की पीडीएफ